नमस्कार दोस्तों, यह है एमएस पेंट सीरीज का पार्ट नंबर 17। इस पार्ट में हम मैग्नीफायर टूल को समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नीफायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। पेंट प्रोग्राम के ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को लेंस यानी मैग्नीफायर द्वारा बड़ा करके देख सकते हैं, यानी इस टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए हम करते हैं। चलिए एमएस पेंट की विंडो में देखते हैं। जैसे कि ये हमने अभी शेप बनाया है, इसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मैग्नीफायर टूल का हम यूज करेंगे। उसके लिए आपको मैग्नीफायर टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप मैग्नीफायर टूल को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने मैग्नीफायर टूल का आइकॉन और एक आपको रेक्टेंगल बॉक्स आपको मिलेगा। रेक्टेंगल बॉक्स शो करता है कि इस एरिया को वो बड़ा करना चाहता है। तो जिस एरिया को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं, उस जगह पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं इस हिस्से को फिर से देखना चाहता हूँ, फिर से मैं क्लिक कर दूंगा। और भी क्लिक, और बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो क्लिक। इस तरह से आप इसमें बारीकी से काम आप कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर जूम किया है, तो यहाँ पर नीचे देखें आप जूम एरिया पर, यहाँ पर 400 सेट हो गया है जूम। एक बार और हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से भी आप प्लस से इसको जूम कर सकते हैं और माइनस से जूम आउट आप कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए प्लस, जूम आउट के लिए माइनस। इस तरह से हम जूम टूल का यूज करके इमेज को बड़ा करके हम देख सकते हैं। आप मैग्नीफायर टूल का यूज करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे ब्रशेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।